हेलो दोस्तों, अगर आपके पास पतंग की टूटी हुई चरखी रखी है तो उसे बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। और उसमें लगे हुए रिंग का हम किस तरीके से इस्तेमाल करके एक पेंटिंग बना सकते हैं, इसके लिए आइए जानते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक बोर्ड लिया और बुकरम ली। बुकरम को बोर्ड के हम चारों तरफ चिपका देंगे। अब ये सूख चुकी है, अब मैं पाउडर लूँगी और फेविकोल लूँगी और इसका घोल बना लूँगी, पर घोल को मैं थोड़ा टाइट रखूँगी। अब इस घोल को बुकरम के ऊपर चारों तरफ फैला दूँगी और थोड़ी थोड़ी शेप बना दूँगी। अब गीले घोल पर ही मैं टूटी हुई चरखी के जो रिंग थे वो इस पर चिपकाऊँगी। अब आप देख रहे हैं ये तीनों रिंग चिपक चुके हैं। अब जो ये घोल था इस ये थोड़ा सा टाइट हो गया है, इसलिए मैंने इसकी शेप को उभारने के लिए और ब्रश से इसे उभार दिया है। अब आप देख रहे हैं ये सूख चुकी है। अब इसके ऊपर मैं वाइट फैब्रिक कलर लूँगी या आप वाटर कलर भी ले सकते हैं, उनका इस्तेमाल करके इस पर कलर कर सकते हैं। मैं इस पर पेंट कर रही हूँ। रिंग पर भी मैंने वाइट पेंट कर दिया। उसके बाद मैंने येलो कलर ब्लू कलर लिया। ब्लू कलर को कहीं कहीं धीरे धीरे से हल्के ब्रश से उभारने के तौर पर इस पर लगा दिया। इसी तरीके से मैं ऊपर की साइड पे भी ब्लू कलर लगाऊंगी। ब्रश को बहुत हल्के तरीके से लगाऊंगी जिससे उसमें मुझे वाइट और ब्लू दोनों का शेड दिखाई दे सके। मैंने कहीं कहीं पर ब्लू का डार्क कलर का शेड भी दिया है। आप ये अपने मन चाहे, अगर ब्लू कलर नहीं लगाना चाहते हैं तो आप अपने मन से कोई और सभी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अब इन रिंग पर मैं स्केचिंग कर उस पर फ्लावर बनाऊंगी। देखिए, अब मैं इस पर स्केचिंग कर चुकी हूँ। अब मैं इस पर येलो कलर से फ्लावर पर कलर कर रही हूँ। उसी का डार्क शेड बना के उसकी आउटलाइन करूँगी और इसमें से शेड निकालूंगी। इसी तरीके से ऊपर वाले रिंग पर भी मैं फ्लावर बनाकर उस पर भी येलो कलर का इस्तेमाल करूंगी। बीच वाले येलो कलर में मैंने लाइट रंग रखा है। जो मैंने नीचे कलर करा था वो थोड़ा डार्क करा था, ऊपर थोड़ा लाइट रखा है और इसकी आउटलाइन भी इसी येलो कलर में डार्क रंग मिलाकर निकालूंगी। आप देखिए, मैंने इसकी आउटलाइन कर दी है। अब आप देख रहे हैं मैंने इसकी आउटलाइन से ही इसके फ्लावरों को उभार दिया है। अब मैं तीसरी रिंग को भी इसी तरीके से रंग करूंगी और उसमें और भी हल्का रंग इस्तेमाल करूंगी। अब आप देख रहे हैं ये फ्लावर बन के तैयार हो चुके हैं। अब मैं ब्लैक रंग से इसकी थोड़ी थोड़ी कहीं साइड में बिंदियाँ लगा दूंगी। इसी तरीके से ऊपर वाले रिंग पर भी
ब्रश की बारीक नोक से छोटी छोटी बिंदियाँ लगा दूंगी और इसी तरीके से ऊपर भी। अब आप देख रहे हैं ये लगभग तैयार हो चुकी है। अब मैं छोटे छोटे गोल्ड मिरर लूंगी और इस पर चिपका दूंगी। अब आप देखिए ये कितनी अच्छी लग रही है। अब आप देखिए ये पेंटिंग कितनी प्यारी लग रही है कि टूटी हुई चरखी के रिंग को अगर हम ना फेंक कर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो खूबसूरत पेंटिंग का भी वो भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।